अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर हैंड पोल्ट्री फार्म। जी तो हम आज आपको अपने किचन का विज़िट करवाएंगे और साथ ही हम आपको अपना फार्म भी विज़िट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं जनाब? ये है हमारी हैन की प्रोडक्शन, एग्स की, और जनाब ये हमारा किचन। एक्चुअली किचन दिखाने का भी कोई पर्पस है, क्योंकि हमारा जो पोल्ट्री फार्म है वो हमारे किचन के थोड़े से गैप पर है। ये पोल्ट्री फार्म का के काम का जो आइडिया था, ये हमें लॉकडाउन में आया जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी, तो तमाम कारोबार बंद हो चुके थे और समझ में नहीं आता था कि इंसान क्या करे क्या ना करे। घर की चार दीवारी तक जो है हम सब लोग महदूद होकर रह चुके थे। तो इतने में भी हमें इस दौरान हमें इस ड्यूरेशन में हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने घर में ही जो है वो पोल्ट्री फार्म का जो है वो आगाज़ करें। तो इस तरह से ये हमने स्टार्ट किया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैंस जो हैं वो एग्स की प्रोडक्शन पे आ चुकी हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे हमने बहुत कुछ फेस किया। ये बहुत एक लंबी कहानी है, इंशाल्लाह इस कहानी पे हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे डिटेल से। तो ये हमारा छोटा सा पोल्ट्री फार्म जो हमारे घर के थर्ड फ्लोर पे हमारे किचन के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ थोड़े फासले पर ही है, लेकिन किचन के ही किचन वाले एरिया में जी। ओके, अब हम वापस पलटते हैं अपने किचन की तरफ। और जनाब किसी को अगर एग्स वगैरह की एग्स वगैरह चाहिए हो हैचरी के लिए, तो हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है? एट अ टाइम हमारे पास 150 जो है ना एग्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। और सियालकोट की लोकेशन में अगर किसी को खाने के लिए भी चाहिए हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। और एक्चुअली आपको हैंस की सारी कलेक्शन दिखाने का पर्पज़ यह है कि आपको बता सकें कि हमारे पास एट अ टाइम जो है इतने एग्स जो है वो मौजूद होते हैं। अभी ये जो एग्स हैं इनकी जो कलेक्शन है ये मोर देन 150 और 200 तक है, ये 150 से 200 तक है, ये मतलब 150 से 200 तक जो है वो हमारे पास एग्स जो है वो ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। और अगर आप लोगों को एग्स चाहिए हो हैचरी के लिए या फिर घर के यूज़ के लिए, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं आप। चलें, मेरे ख्याल नेक्स्ट कीजिएगा। आप लोग देख रहे होंगे व्यूअर्स कि ये एग्स इतने छोटे छोटे क्यों हैं, ज़रा ये वाले दिखाएं इनको बड़े जी। अभी आप एग्स के साइज़ में डिफरेंस देख सकते हैं। एक्चुअली वो जो ये जो एग्स हैं ये स्टार्टिंग के एग्स हैं और बहुत छोटे हैं, ये आप देख सकते हैं। और अभी शायद किसी मुर्गी ने अंडे दिए हैं, आए हैं आपको जो है ना लाइव कलेक्शन करके दिखाते हैं एग्स की। और ये जो छोटे छोटे एग्स हैं ना, इस मुर्गी की भी प्रॉपर एक हिस्ट्री है, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में कि मुर्गियाँ छोटे छोटे अंडे क्यों देती हैं, एक्चुअली इनकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से इनके एग की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती। स्टार्टिंग के एग्स जो है ना सम टाइम छोटे ही होते हैं, बाद में आस्ता आस्ता जो है ना वो ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं। चलें जी आए। नहीं जी, हटा नहीं दिया इस मुर्गी ने। ये जनाब अंदर का विजिट आपको करवा रहे हैं हम। उठाएं जी, एग तोड़ रही है, नहीं नहीं तोड़ रही, उठाएं आप, कुछ नहीं करते। वो देखिए वो अपना अंडा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कोको प्यारी कोको, इसको हम प्यार कर लेते हैं। प्यारी प्यारी कोको, एग हमें दे दो, थैंक यू। ये देखिए व्यूअर्स, फोकस आउट हो रहा, इधर रखें, इसने भी शायद दिया। देखें एक दफ़ा ला के देखें, इसको शायद बीच में। ये सिलसिला हमारा सारा दिन ही चलता रहता है, हम सारा दिन फॉर्म में शायद 100 टाइम्स जो है वो राउंड लगाते हैं और चेक करते रहते हैं। देयर इज नो एग। आज चलें जी, आज जुम्मा का दिन है तो जुम्मे की तैयारी करनी है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो है ना किसी भाई ने भी
कुछ ना हो तो उसका जॉब वगैरह लेंगे हम प्रॉपरली। चलो जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।